दोस्तों, क्या कभी आपने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स से साइकिल की जगह फरारी की मांग की है या फिर 12 करोड़ के जूते की? इसमें 99% आपका जवाब नहीं होगा, पर अरब के अमीर शेखों के अमीर बच्चों के लिए ये कुछ भी नहीं है। आज ब्रेन अनलॉक की यूट्यूब चैनल पे हम बात करेंगे दुबई के रिचेस्ट किड्स के बारे में। दोस्तों, उससे पहले अगर आप और ऐसे रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले बात करते हैं अमीर शेख के अमीर बच्चे रशीद सैफ पहलेसा की, जो कि मनी किक्स के नाम से भी मशहूर है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि रशीद एक फार्म हाउस में रहते हैं और इस फार्म हाउस में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक कार की जरूरत लगती है। और इस फार्म हाउस की ये खासियत है कि इसमें एक मिनी जू भी है। इस जू में 500 से भी ज्यादा एनिमल्स है, और तो और उसमें से कुछ एनिमल्स टाइगर्स और वाइल्ड कैट्स भी है। इस फार्म हाउस में एक आलिशान स्विमिंग पूल भी है और ये फार्म हाउस चारों ओर कांचों से बंधा हुआ है ताकि वाइल्ड कैट्स घर में एंटर ना कर सके। दोस्तों, आपको बता दें, रशीद के फ्रेंड्स लिस्ट में मशहूर सेलिब्रिटीज भी शामिल है, जैसे सलमान खान, जैकी चैन और मशहूर फुटबॉलर्स भी। मोस्टली सेलिब्रिटीज रशीद के घर को विजिट करते हैं ताकि वो उनका जू देख सके और उनके रहने का अंदाज भी। रशीद के पिता सैफ अहमद बहलेसा ये दुबई के रिचेस्ट लोगों में से एक है। इनका नेटवर्थ 2.2 बिलियन है और ये कई कंपनीज ओन करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रशीद को जूतों का शौक है और उनके फार्म हाउस में जूतों का कलेक्शन भी है। इस कलेक्शन में एक से बढ़कर एक जूते मौजूद है। आपको बता दें कि ये जूतों की वैल्यू हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इसकी अमाउंट 12 करोड़ होगी। और इसी अमीरी लाइफस्टाइल की वजह से रशीद को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने की संख्या लाखों में है। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि हाल ही में राशिद ने अपने जन्मदिन पर खुद को एक बड़ा सा तोहफा दिया, और ये तोहफा है फरारी F12, और इस पर आपको लुई वटोन और सुप्रीम का स्पेशल कस्टमाइज्ड कोड देखने मिलेगा। रशीद के महंगे कारों की लिस्ट में और एक कार मौजूद है, वो है बुगाटी वेरोन, और आपको बता दे इसकी कीमत लगभग 40 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम के बेटे हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम के बारे में। इनके बेटे महंगे शौकों को लेकर दुनिया भर में बहुत मशहूर है। सबसे पहले आपको बता दें, वो एक शायराना मिजाज रखते हैं, इसलिए उनको अपने शायराना नाम फाजा के नाम से पुकारा जाता है। इनके रईजी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि इनको एक ऊंट इतना पसंद आया कि फाजा ने उस ऊंट को 35 करोड़ में खरीदा। शेख हमदान को कुछ अनोखा खरीदने का हमेशा से शौक रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमदान ने कुछ ऐसी गाड़ियाँ खरीदी है जो हवा और पानी दोनों पर चलती है। ये गाड़ियाँ कस्टमाइज करने के लिए हमदान को 15 करोड़ से ऊपर खर्च करने पड़े, और इन गाड़ियों की खास बात ये है कि पूरे दुबई में ऐसी गाड़ियाँ किसी के पास भी नहीं है। इसके अलावा इस रईस बेटे के पास खुद के जहाज़ों की भी लिस्ट है, और हर एक जहाज की कीमत 45 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। इसके अलावा आपको बता दें कि फाजा को घोड़ों का भी शौक है और वो घर पे वाइल्ड कैट्स भी पालते हैं। फ्रेंड्स, ये देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि अमीर अरब के बच्चों की लाइफस्टाइल कितनी अलग होती है। अब बात करते हैं मो व्लॉग्स की, जो कि एक यूट्यूब व्लॉगर है। इनकी एज 23 इयर्स ओल्ड है और इनका असली नाम मोहम्मद पायरागवरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि मो व्लॉग्स को लग्जरियस कार्स पसंद है और उनके व्लॉग्स में आपको ये देखने बहुत मिलेगा। मो व्लॉग्स दुबई में बहुत ही मशहूर है और इनके 8 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इनके पास भी लग्जरियस कार का बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। तो दोस्तों, ये थे दुबई के अमीर बच्चे और उनकी लाइफस्टाइल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अलविदा।